भगवान विष्णु, जिन्हें हम नारायण कहते हैं, हिंदू देवताओं के सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं। वो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करते हैं और भक्तों को लंबे जीवन, शांति, खुशी और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। और देवी लक्ष्मी या महालक्ष्मी धन, उर्वरता और भाग्य की देवी हैं, जिन्हें हम श्री कहते हैं। और दिव्य लक्ष्मी नारायण एक साथ स्वर्गीय निवास वैकुंठ में वास करते हैं। एक बार श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक साथ शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी श्री हरि बोले, देख रही हूँ लक्ष्मी, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं भगवान, ये मुझे पाने के लिए भक्ति करते हैं। उस पर श्री हरि बोले, कहीं तुमने किसी को लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते हुए सुना है? सभी लोग नारायण नारायण का ही जाप करते हैं। इस सारे संवाद के बाद लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अगर आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले, हाँ ठीक है लक्ष्मी, जैसा तुम चाहो। उसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके चले गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में परमात्मा का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जिस पर यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सारी तैयारी कर दी गई। पहले दिन कुछ लोग आए, अब जबकि खुद भगवान ही कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन और भी अधिक भीड़ हो गई। विष्णु जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे मन ही मन सोचने लगे, कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर लक्ष्मी जी ने भी सोचा कि मैं भी तो चलकर देखूं कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है। तब देवी ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में पहुंच गई जहां पर श्री हरि गए थे। वहां पर एक महिला अपने घर का बस ताला बंद करके कथा में जाने की तैयारी कर रही थी कि देवी उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा थोड़ा पानी पिला दे। देवी की बात सुनकर महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। जिस पर लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, बहुत प्यास लगी है। तब वह महिला जल्दी जल्दी घर के अंदर गई और एक लोटा पानी भर लाई और उसने माँ लक्ष्मी को पानी पिला दिया। जब माँ लक्ष्मी ने वह लोटा वापस उस महिला को लौटाया तो वह सोने का हो गया था। यह देखकर महिला की आंखें फट गई। उस पर सोच में पड़ गई कि मैंने लोटा दिया तो पीतल का था, अब वापस लिया तो ये सोने का हो गया, ये कैसा चमत्कार है, और ये माता क्या चमत्कारिक माता है। अब उस महिला ने सोचा, जब मैंने पानी दिया तो मेरा लोटा सोने का हो गया, अगर ये मैया यहाँ पर खाना भी खाएंगी तो मेरे थाली, कटोरी, चम्मच सब कुछ सोने का हो जाएगा। तो उसने हाथ जोड़कर माता जी से कहा, मैया आपको भूख भी लगी होगी ना, खाना भी खा लीजिए। लालच की इच्छा रहते हुए सोचा कि खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता उसकी मंशा समझ गई थी और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। जिसके बाद वह महिला प्रवचन में चली गई, लेकिन अपने आसपास की सभी महिलाओं को उसने ये सारी बात बताई। अब महिलाएं ये सुनकर चलते सत्संग के बीच में से उठ गईं और अगले दिन से उस कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। तो भगवान हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई है। तब किसी ने कहा,
नगर में एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, जिसके घर में भी दूध पीती हैं तो उनका ग्लास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। अब तो विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर हो चुका है। इतनी बात सुनते ही जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हुए और चुपके से निकल लिए और माता लक्ष्मी के पास जाकर बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। देवी बोली, तुम्हारे घर में तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन क्या करूं, तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तब तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध लो और जाओ, आपके रहने की व्यवस्था मैंने पास वाली ही धर्मशाला में कर दी है। इस पर महाराज बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन बचे हैं, यहीं रहने दो ना। सेठ बोले, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है। इतने में ही देवी लक्ष्मी वहां आ गईं और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा कर देती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। देवी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमने एक बात देखी कि तुम वहीं जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, साफ तरीके से कमाई करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करोगी। इतना कहकर श्री हरि ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। तो सभी कहने लगे, माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? लक्ष्मी माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया है, तो मैं यहाँ कैसे रहूँ? और वो चली गईं। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुँचा कर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।